बहुत सारे हमारे पास हैं कॉटन के दुपट्टे, इसमें से कुछ नमूना मैंने निकाला है। अब इन दुपट्टों का क्या किया जाए, पता है जब यंग एज था ना तब दुपट्टों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। अब कैसे कैसे इस्तेमाल करते थे आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। अब ये जो कॉटन के सूट होते हैं ना, इतने बढ़िया इसके दुपट्टे होते हैं, डिज़ाइनर दुपट्टे होते हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है और कपड़ा इसका इतना थिक होता है, मोटा होता है कि आप उससे कुछ भी बनवा सकते हैं। अब इस तरह के दुपट्टे हैं, अब इन दुपट्टों का क्या कीजिएगा, आप इसकी कुर्ती बनवा लीजिए, कितना खूबसूरत लगेगा, है ना। कुर्ती इतनी बढ़िया लगेगी इस दुपट्टे की, आप देखिए 2 मीटर का 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है, आराम से निकल जाएगा। और इस दुपट्टे का तो आप कितना सुंदर बन के तैयार होगा काफ्तान, सिंपल सा। मैंने तो तय कर लिया है कि मैं इसका अभी काफ्तान बनवाऊंगी। तो इस तरह से आप अच्छे वाले दुपट्टे का काफ्तान बनवा सकते हैं। इस तरह के प्लेन दुपट्टे हैं जिसमें कि पट्टियाँ लगी हुई हैं, इसे भी आप कुर्ता बनवा सकते हैं आराम से। अगर जीन्स पहनती हैं तो उसके लिए आप इसका कुर्ता बनवाइए, इतना थिक इतना मोटा कपड़ा होता है और दुपट्टे नए के नए रह जाते हैं, रखे रह जाते हैं। अब ये देखिए, ये डिज़ाइनर दुपट्टा है, इसमें भी ऐसे पट्टी बनी हुई है कपड़े की, इतनी बढ़िया। इस तरह से बहुत सारे दुपट्टे हैं। और एक टाइम तो था कि जब इस तरह के प्लेन वाले दुपट्टे का इतना सारा फैशन चलता था जिसमें कि दोनों तरफ इस तरह के गोटे लगे हुए थे। अब इस तरह का जो ये गोटे वाला दुपट्टा है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, इस तरह के गोटे वाले तो हर कलर में दुपट्टा है, लाल, पीला, नीला, हरा। तो अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का यूज़ करते हैं। और वैसे भी आप देखिए, एक वो दिखाया, एक ये दिखाया, इसमें पीला है, हरा है, पता नहीं कितने रंग का है। तो अलग अलग रंग के दुपट्टे को मैं अलग अलग तरीके से यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगा कि जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं अपने सारे जो हमारी सहेलियाँ हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी बता देते हैं। अगर आप भी देख रहे हैं, हमारे कोई फ्रेंड अभी देख रहे हैं, तो वो भी अपने घर में सजेशन दे सकते हैं कि भाई मैंने देखा था कुर्ते से इस तरह से इस्तेमाल किया गया था। और हाँ, अगर आप पैसा अपना बचाना चाहते हैं तो एक सजेशन और भी दे दीजिए कि अगर आपकी वाइफ जो है ब्लाउज़ सिलवाने जा रही है तो लाइनिंग में प्लेन वाले दुपट्टे का इस्तेमाल कर लें, अगर कोई कुर्ता बनवा रही हैं तो वहाँ भी प्लेन वाले दुपट्टे का इस्तेमाल हो सकता है। लेस जो है निकाल के रखवा लें, वो कभी DIY में वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए, जिस तरीके से मैं अपने दुपट्टे का इस्तेमाल अभी कर रही हूँ वहीं से करती हूँ शुरुआत। तो चलिए, सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मैं एक अलग दुपट्टे का, जैसे कि ये मेरा वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में मैंने चादर डाला हुआ है। अब मेरे पास इस कलर का कोई रनर नहीं है, इसके प्रिंट से मिलता हुआ रनर नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इस दुपट्टे के साथ में जो बड़े वाले दुपट्टे होते हैं ना, उसे मैं डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, क्लॉथ की तरह उसको डाल करके, और या बीच में जैसे यहाँ पे मैं रनर बनाती हूँ इसी तरह से टेबल पे भी रनर बना लेती हूँ, या फिर बहुत टेबल क्लॉथ बना लेती हूँ पूरा उसके ऊपर इस दुपट्टे से। और जो लास्ट मैंने मेकओवर दिखाया था उसमें जो मैंने ब्लू यूज़ किया था वो मेरा दुपट्टा ही था। अभी मैं किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ दुपट्टे का और किया है वो उससे शुरुआत करती हूँ। अभी फ़िलहाल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो इस तरह से कि एक रोज़ रात में मुझे ठंड लग रही थी, दुपट्टा रखा हुआ था तो मैंने उसे उठा के ओढ़ लिया तो मेरी रात अच्छे से गुजर गई। तो मैंने कम्फर्टर की जगह इसे ही इस्तेमाल करना शुरू किया, मेरी चादर का कॉम्बिनेशन का कलर भी मिल गया, प्रिंट भी एक दूसरे के साथ मिल गया, इतना खूबसूरत लगता है। और अभी गर्मी में ये सूदिंग सूदिंग सा लगता है। एक तो मैंने उस तरह से यूज़ किया है, दूसरा आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अगर आप सिर्फ रनर के रूप में अपने बेड को डेकोरेट करना चाहते हैं। दुपट्टे में अगर ये इस तरह से पट्टी बनी है तो दोनों तरफ से खींच के ले आइए और फ्रंट में दोनों बॉर्डर को एक साथ जोड़ लीजिए। आप चाहें तो इसे परमानेंट बना के रख सकते हैं, वरना आप आम के आम गुठलियों के दाम दुपट्टे की तरह भी इसे ओढ़िए और जब चाहिए तो इस तरीके से आप एक रनर बना करके अपने बेड को खूबसूरती से सजा लीजिए। अब ये देखिए, मेरा ब्लैक कलर का सूट था, उसका दुपट्टा था, बहुत ही बढ़िया शिफॉन था ये। अब मैंने इसका कैसे इस्तेमाल किया है, कुर्ता बनवा लिया ना मैंने अपने जीन्स पे पहनने के लिए और दुपट्टे के दोनों तरफ जो बॉर्डर था उससे बाजू बनवा लिया, कितना खूबसूरत बन गया। अब कुछ रंगीन गोटे छोटे वाले दुपट्टे हैं हमारे पास, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे।
अब जैसे ये गोटा लगा हुआ दुपट्टा है मेरा, तो अब ये गोटा भी दिखाई दे मुझे इस तरह से, मैं इसे फोल्ड करूंगी और सिर्फ एक कलर में अगर मुझे बनाना होगा तो एक कलर में मैं फोल्ड करूंगी। तो क्या करूंगी मैं, ये मैंने रेड वाला जो पोर्शन है उसे यहाँ से मोड़ के ले आऊंगी और दूसरे साइड में भी जो गोटा वाला पट्टी वाला है वो उसे भी मैं यहाँ पे ले आऊंगी। ये देख रहे, यहाँ ले आई मैं, और अब इसको जो है मैंने इस तरह से मोड़ के रख लिया, थ्री फोल्ड कर लिया। अभी बीच में थोड़ा सा और हम इसको ले आएंगे छोटा, चूंकि हमें छोटा ही चाहिए है तो हमें दोनों तरफ से इसे फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह से तैयार हो गया ये दुपट्टा। अब हमने क्या करना है, एक इस तरह से चूड़ी लेनी है और रबड़ बैंड ले लीजिए या कोई धागा आप ले लीजिए, इस तरीके से आप यहाँ सेंटर में इसे रखिए, ये इसके नीचे मतलब ये बैक साइड में रख लीजिए सेंटर में, क्योंकि हमें ये लेस को ऊपर लेके आना है ना, तो बिल्कुल चूड़ी के इसके बीच में सेंटर में आना चाहिए। और ये देखिए, ये हमने इस तरह से नीचे से चूड़ी डाल के और पकड़ लिया, और अब हमने इसको यहाँ से डबल फोल्ड कर देंगे। अब इसे दो तरीके से आप बना सकते हैं, या तो इसे आप बैक साइड में डाल लें या आप चाहें तो फ्रंट साइड में इसे डाल सकते हैं। आपके पास अगर स्क्वायर इस तरह से पतला सा कुशन है तो आप इसे लीजिए। अब चूड़ी वाला पोर्शन जो लगाया है ऊपर रखना है और रेड कलर वाला गोटे वाला, तो इस तरह से आपने जो फोल्ड किया उसे पलट दीजिए, कुशन को इस तरह से स्क्वायरिश लीजिए और बीच में उसके रखिए ताकि आपका जो चूड़ी लगाया है वो सेंटर में आए, और इस तरीके से फोर फोल्ड करके और आप इसे मोड़ दीजिए। और सिर्फ अगर डेकोरेशन में आपको सजाना है तो आप ये देखिए कितना बढ़िया सा कुशन हो गया। अगर कोई इसको मूव नहीं करने वाला है, उठाने वाला नहीं है, तो आप इस तरह से करके, और चाहे तो मोटा टांका आप इधर से मोटे वाले सुई से आप लगा सकते हैं, या फिर आप इधर हल्का सा इसे गिट भी आप लगा दीजिए यहाँ पे, तो इस तरीके से आपका एकदम से बहुत खूबसूरत सा कुशन बन के तैयार हो जाएगा और आप इसे इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। एक तो ये वाला कुशन कवर बनाने का आपको तरीका बता दिया इसी चूड़ी से। आपको और अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये गोटे वगैरह का उतना ज़्यादा और भी आप परेशानी झंझट नहीं मोल लेना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि बस आपने जो ये चूड़ी लगाई है ये चूड़ी लगे रहने दीजिए और इसको पलट लीजिए पूरा। अगर आपको गोटे वगैरह का झंझट नहीं है और आपके पास ऐसा कोई दुपट्टा नहीं है कि जिसमें गोटा लगा हुआ है और आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो उसके लिए भी ये बस वही है कि कोई भी स्क्वायरिश वाला दुपट्टे को आप स्क्वायरिश शेप में कर लीजिए, डबल फोल्ड कर लीजिए या ट्रिपल फोल्ड कर लीजिए, और इसी तरीके से जैसे चूड़ी लगाने के लिए मैंने आपको बताया उसी तरह से चूड़ी रख के यहाँ रबड़ बैंड लगा लीजिए, और इसको पहले मैंने दूसरी तरफ से किया था, अब इसको अंदर की तरफ कर दीजिए क्योंकि आपका कोई डिज़ाइनर दुपट्टा नहीं है, और अब इसी में इसे आप रख दीजिए। ठीक है, इसी में रख दीजिएगा और आपको बनाना है गोल कुशन। तो कैसे आप बनाएंगे, बस आप इसको यहाँ से उठाएंगे और हल्का सा खींच के और दोनों तरफ से इसको इधर से भी खींचेंगे जैसे हम गट्ठर बांधते हैं ना, बस उसी तरीके से खींच करके आपने इसे फोल्ड करके बांध देना है। देखिए ऐसे थोड़ा सा टाइटली आप बांध दीजिए, ठीक है, टाइटली बांध के और बो की तरह इसे नीचे आप लटका दीजिए, यहाँ पे आप डबल गांठ दे दीजिए ताकि एक बो बन जाए। ठीक है, ये इस तरीके से बो बन जाए, और अब इसी तरीके से दूसरे वाले साइड से भी उठाइए बढ़िया सा, और इसे भी थोड़ा सा अच्छा सा खींचिए ऐसे खींच के, और इसको शेप दे दीजिए पूरा इस तरह से, और फिर इसे भी आप एक बो आपने पहले बनाया है ये इस तरह से बनाया है, अब दूसरे वाले तरफ से जब आपने कॉर्नर को पकड़ा तो यहां भी आप इसे बांध करके बढ़िया से और एक दूसरा बो बना लीजिए। ठीक है, अब दूसरी तरफ से बना लीजिए। अब हमारे पास क्या है कि ये दोनों गांठ वाला पोर्शन आ गया, और इस तरीके से ये चार आपके फ्लावर वाले रस्सियां आपको दिख रही हैं, दिख रही। तो आप चाहें तो इसे
इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप रख दीजिए। अगर इस तरह से आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब आपके पास हमारे पास गोल कुशन तैयार हो गया है। ये दोनों बो हैं, दोनों इस तरफ से हैं। आप चाहें तो इसे इस तरह से रख सकते हैं। इसको बड़े आराम से यूज़ किया जा सकता है। इसे उठाइए, घुमाइए, फेंकिए, नचाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप बो वाले साइड से नहीं इसे यूज़ करना चाहते हैं तो दूसरी साइड से आप यूज़ कर लीजिए। देखिए, दूसरी साइड से आपको इस तरह से दिखेगा, ये वाला चीज़ दिखेगा, यहाँ पर फ्रिल आ जाएगा और इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे दूसरे तरीके से जो पोर्शन है, अगर दुपट्टे में गोटा और ये लगा हुआ है तो उसे आप उसके हिसाब से सिर्फ सिंपल सा स्क्वायरिश बांध दीजिए और उसे चेयर पे रखना हो तो उस तरह से यूज़ कीजिए। अब कौन देख के ये कह सकता है कि ये अभी अभी 2 मिनट में मैंने अपने दुपट्टे से इस कुशन को बनाया है, तो कह सकता है नहीं ना, आपके सामने ही बनाया। तो इस तरीके से आप अपने दुपट्टे का इस्तेमाल बहुत मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब इसे चेयर पे रख के दूसरी तरीके से फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने इसी दुपट्टे का दोनों कलर इस्तेमाल कर लिया। अब ये एक अलग दुपट्टा है हमारे पास। ये ग्रीन कलर का प्लेन लेस वाला दुपट्टा है। इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया, यानी दोहरा कर लिया, बीच में मसनद को रखा और दोनों तरफ से इस तरह से लॉलीपॉप की तरह से इसे मोड़ करके मैंने फ्रिल बना लिया। अब दोनों तरफ आप चाहें तो धागा से बांध लें, राखी अगर बैंड है, राखी है, फ्रेंडशिप बैंड है, किसी भी चीज़ से इसे बांध लीजिए। इस तरह से देखिए आप इसे शेप अप कर सकते हैं और कितना खूबसूरत आपका मसनद तैयार हो गया। लग रहा है ना सुंदर। इसके अलावा साथियों, मैं आपको दिखाऊं कि ये भी मेरा एक दुपट्टा है। ऐसा एक सूट था जो कि शादी में पहनने के लिए मैंने लिया था और उससे ये बहुत ही चौड़ा सा दुपट्टा था, तो इसे हाफ कट करके मैंने, ये देख रहे हैं इसमें इसका जो ये घुंघरू वगैरह लगे हुए हैं सब लगा हुआ है, तो मैंने इसे यहाँ यूज़ कर लिया है। देखा ना साथियों, घर में रखे हुए दुपट्टे जिसका कि कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बस कवर्ड में रखा हुआ है, एक के ऊपर एक रख करके हमने डंप कर दिया है और सालों साल तक इसी तरह से पड़ा रहता है, उसका कितना खूबसूरती से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए और सजावट में। अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा है और थोड़ा सा भी मेरा ये आइडिया आप सबको पसंद आया है तो यूज़ ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात इसी तरह की कुछ और अच्छी अच्छी बातों के साथ। तो अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।